नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्व मित्र। मसला है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और ये बात आज सिद्ध भी हो गई महाराष्ट्र में। क्या कोई सोच रहा था कि शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे और बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी? फडणवीस क्यों नहीं? राजनीति में उलटफेर की ये बड़ी मिसाल है। तभी मैं कहता हूं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता भी हैरान हैं कि ये क्या हो गया। वो तो सोच रहे थे कि एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जब फडणवीस ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे, तो बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर मायूसी देखी जा सकती थी। मतलब बीजेपी हाईकमान ने ऐसा गेम खेला जिसका अंदाजा महाराष्ट्र के बीजेपी के नेताओं को भी नहीं था। हमने बीजेपी के कई नेताओं को सुना कि वो तो बहुत उत्साहित थे कि फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मीडिया भी खूब चला रहा था कि एक बार फिर फडणवीस सीएम बनेंगे, लेकिन बीजेपी नेता बोले कि जब उन्होंने सुना कि अगले सीएम शिंदे होंगे तो ये सुनकर उन्हें धक्का लगा। फडणवीस मंत्री भी नहीं बनेंगे क्योंकि वो सीएम रह चुके हैं, तो अब सीएम के नीचे एक मिनिस्टर के तौर पर काम करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और अमूमन होता भी ऐसा है कि एक बार जो सीएम रह लेता है वो फिर मंत्री बनना पसंद नहीं करता। बीजेपी बाहर से एकनाथ शिंदे को समर्थन देकर सरकार चलाएगी, तो इसे कहते हैं राजनीति। वैसे संख्या बल के हिसाब से बीजेपी के शिंदे गुट से डबल से भी ज्यादा विधायक हैं, तो फिर बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? इसमें भी बीजेपी की बड़ी रणनीति है, 2024 का प्लान है। दरअसल पिछले 10 दिन से भारत में 2400 घंटे एक ही खबर चल रही थी कि शिवसेना से जो विधायक बागी होकर गुवाहाटी पहुंचे हैं उनका क्या होगा, क्या उनकी सदस्यता चली जाएगी। इधर उद्धव ठाकरे भी पीछे नहीं हट रहे थे, हर वो दाव खेला जा रहा था जिससे कि सरकार को खतरा ना हो। वहीं गुवाहाटी में बैठे बागी नेताओं के नेता एकनाथ शिंदे भी टस से मस नहीं हो रहे थे, चाहे उनके बारे में जो भी कहा जा रहा था। बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थी। दिल्ली और मुंबई के बीच लगातार वार्तालाप भी चल रहा था। देवेंद्र फडणवीस लगातार हाईकमान के टच में थे कि जैसे ही मौका मिलेगा तो उनकी पार्टी मौके का फायदा उठाएगी। उधर उद्धव ठाकरे का समर्थन कर रही शरद पवार की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस भी लगातार उद्धव ठाकरे का समर्थन कर रही थी। शरद पवार, जिनको महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता और राजनीति का पीएचडी कहा जाता है, उन्होंने भी हर प्रकार से कोशिश की कि उनकी सरकार बच जाए, लेकिन उनके प्रयास भी काम नहीं आए। वहीं शिवसेना की ओर से संजय राउत ने भी मौका संभाल रखा था, वो लगातार बोल रहे थे। ये भी चर्चा थी कि उनके बोले डायलॉग भी शिवसेना को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईडी का सम्मन मिलने के बाद भी उनके जोश में कमी नहीं आई, वो लगातार बागी विधायकों और एकनाथ शिंदे को लेकर बयान दे रहे थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, जहां से शिवसेना को झटका लगा और आखिरकार उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने का मन तो शायद कुछ दिन पहले ही उन्होंने बना लिया था जब उन्होंने सीएम आवास को खाली किया था, लेकिन खबर है कि शरद पवार और कांग्रेस के कहने पर वो आखिरी दम तक मैदान में जमे रहे। उद्धव के इस्तीफे की खबर के साथ ही मीडिया में यही चलना शुरू हो गया कि अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन हुआ क्या, जिससे नेताओं के साथ साथ महाराष्ट्र की जनता भी हक्की बक्की रह गई। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि एकनाथ शिंदे की सरकार कितना समय चलती है। अभी तकरीबन आधा समय बाकी है और बीजेपी का प्लान भी आने वाले दिनों में समझ आ जाएगा कि बीजेपी ने खुद का मुख्यमंत्री ना बनाकर एकनाथ शिंदे को सीएम क्यों बनाया। इस मसले पर आप भी अपनी राय दीजिएगा। ये राजनीति में उलटफेर की एक बड़ी मिसाल है और हम कह सकते हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो आपने इस मसले पर अपनी राय देनी है कमेंट करके। इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है, अपनी राय देनी है, वीडियो को शेयर कर देना है ताकि तमाम लोग इस बड़े मसले पर अपनी राय दे सकें। और अगर आप चाहते हैं किसी भी बड़े मसले की सही चर्चा आप लोगों तक पहुंचे,
तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करना है, इस चैनल को शेयर करना है, ताकि जो हमारी अगली वीडियो होगी, अगला मसला होगा, वो आप लोगों तक पहुंच जाए। फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।